जनमंच खबर में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2019 के अंतर्गत आप अपना मतदान अवश्य करें, जनमंच खबर की यह आपसे अपील है। 2014 के चुनाव में जब मोदी एक प्रधानमंत्री प्रत्याशी के तौर पर क्षेत्र में भ्रमण करते थे तो उन्होंने लोगों के बीच बहुत सारी उम्मीदें जगाई, लोगों से बहुत सारे सवाल किए, लोगों को बहुत सारे सोल्यूशन बताए, लोगों को बहुत सारे जवाब दिए और 5 साल के कार्यकाल में मोदी सरकार ने ढेर सारी योजनाओं को जनता के बीच लाया। कुशीनगर में इन योजनाओं का क्या हुआ, कुशीनगर की जनता तक ये योजनाएं कितनी पहुंची, क्या आज की कप्तानगंज की रैली में मोदी उन सारी योजनाओं के बारे में बात करेंगे, क्या मोदी देश हित के बारे में बात करेंगे, क्या कहेंगे कि जो मैंने पहले वादे किए थे उन वादों का क्या हुआ या क्या दिक्कतें आई। हम किसी पे उंगली उठा के, हम किसी को आगे बढ़ा के या किसी को पीछे करके किसी से कुछ हासिल नहीं कर सकते। हर चीज़ों के अपने प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, क्या होती है हर चीज़ों के पीछे की सच्चाई। लेकिन आपको आज जनमंच खबर 2014 के उस पडरौना रैली का कुछ अंश दिखाएगा और आपसे कहेगा कि आप एक बार विचार करें, आप जानें कि सरकार और सत्ता में आने के बाद कितनी समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं का समाधान जनता चुनावी वादों में जो करते हैं क्या वो वादे पूरे किए जा सकते हैं। आपको दिखाते हैं कुशीनगर में 2014 में मोदी जी की रैली का कुछ अंश। 2014 का वो चुनाव, उसका प्रचार अभियान आज शाम को समाप्त हो जाएगा। जो तपस्या कर रहे हैं मेरे भाइयों बहनों, मैं आपकी तपस्या बेकार नहीं जाने है। लेकिन दिल्ली में बैठी हुई सरकार को और यहां से गए हुए मेहरबान को न इलाके की परवाह है, न जनता के भले की परवाह है, न विकास कैसे करें इसका कोई दिल दिमाग में सोच रहा है, तो आपका भला कौन करेगा भाई, कौन करेगा आपका भला। आप ऐसे लोगों को जो भेजोगे तो आपको 5 साल बर्बाद कर दिए और 5 साल बर्बाद कर देंगे। और इसलिए भाइयों, मैं जरा पूछना चाहता हूं, यहां का हमारा किसान गन्ने की खेती करता है कि नहीं करता है, करता है कि नहीं करता है, चीनी मिल बंद पड़ी है कि नहीं पड़ी है, नेताजी क्या कर रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं, केंद्र में मंत्री बने हैं, क्या क्या रहे मुझे बताओ जरा। अगर किसानों की चिंता होती, यहां के नौजवानों के रोजगार की चिंता होती, चीनी का कारखाना चालू होता या नहीं होता। अरे आप तो उस परिवार के बड़े लाडले हो भाई, मैडम सोनिया जी के परिवार के बड़े लाडले हो, उनके बेटे के तो बड़े यार दोस्त हो, हर शाम आपकी उनके साथ बीतती है। आपको वो शाम तो याद आती है, लेकिन आपको कुशीनगर के किसानों की मुसीबत याद नहीं आती। आप मुझे बताइए, कितने बड़े ताकतवर परिवार के साथ जिसका इतना गहरा नाता हो, केंद्र में मंत्री हो, वो इंसान यानी एक चीनी मिल चालू नहीं कर सकता। ऐसे लोगों को माफ किया जा सकता है क्या, माफ किया जा सकता है क्या। भाइयों बहनों, अटल जी का सपना मैं पूरा करना चाहता हूं, मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। भाइयों, अगर मैं कहूं चीनी का कारखाना बंद कर है जवाब दो, क्या ये नीची सोच है क्या। मैं अगर ये कहूं नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, क्या ये नीच सोच है क्या, ये नीच सोच है क्या। मैं ये कहूं
माताओं बहनों को सम्मान मिलना चाहिए, कहीं नीच सोच है क्या? मैं ये कहूं कि यहां पर टूरिज्म को डेवलप करना चाहिए, भगवान बुद्ध की भूमि को, महावीर की भूमि को, कबीर की भूमि को, रविशंकर रविदास जी की भूमि को अगर उनको सम्मान मिलना चाहिए कहो, ये नीची सोच है क्या? ये नीची सोच है क्या? आगे भैया, और अगर मैडम सोनिया किसानों की भलाई की बात करना ये अगर नीच सोच है तो मुझे वो नीच सोच मंजूर है। मैडम सोनिया जी, बेरोजगार नौजवान को रोजगार देने की सोच रखना ये अगर नीच सोच है तो मुझे ये नीच सोच मंजूर है। मैडम सोनिया जी, मेरा किसान जो मेहनत करता है उसकी मेहनत का पूरा दाम उसको मिलना चाहिए, ये सोच अगर नीच सोच है तो मुझे वो नीच सोच भी मंजूर है। चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई बहनों, अगर मजबूत सरकार बनानी है तो उत्तर प्रदेश से सारे के सारे कमल मुझे भेज दीजिए। भाई बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप मुझे मजबूत सरकार दें, मैं आपको मजबूत। जनमंच खबर की वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचाइए। आपकी अगर कोई राय है तो हमारे ईमेल आईडी पर लिखकर संपर्क करें, हमें बताएं, आपकी राय ही हमारी पूंजी है। धन्यवाद।